नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दिस इज ग्रैंड एट इन योर स्पोर्ट्स सीएनजी और ये गाड़ी का हम आज वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। ये फेसलिफ्ट वर्जन है दोस्तों, तो ये गाड़ी का रिव्यू हमारे चैनल के ऊपर नहीं था, बाकी एस्ट्रा एंड मैग्ना सीएनजी का जो रिव्यू है वही ने डाला है, वो जरूर चेकआउट करना। तो दिस इज स्पोर्ट्स सीएनजी, ओके, फेसलिफ्ट वर्जन एंड ये गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है 8,11,000। ओके, अगर ये गाड़ी आपको खरीदनी है महाराष्ट्र के किसी भी कोने से तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रेफरेंस यूज़ करके आप अच्छा खासा डिस्काउंट एंड गाड़ी अर्ली डिलीवरी ले सकते हैं। तो दिस इज़ ग्रैंड एट इन योर स्पोर्ट्स सीएनजी। बात करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो दिस इज़ द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ ग्रैंड एट इन योर स्पोर्ट्स सीएनजी। अर्लियर जो नियोस थी उसमें आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलते थे, रिफ्लेक्टर मिलते थे, नाउ यू विल गेट द प्रोजेक्टर्स। और दोस्तों याद रखिए, ओके, इसमें ड्यूल हॉर्न अब मिलने वाला है। इस तरह से आपको कीज़ मिलेगी, ओके, एक फ्लिप रिमोट कीज मिलेगी और नॉर्मल आपको दूसरी मैकेनिकल की देखने को मिलने वाली है। ओके, लॉक करने के लिए बटन, अनलॉक करने के लिए बटन एंड ये दूसरा जो है होल्ड करने के लिए बटन दिया है, यानी आपका बूट है वो आप अनलॉक कर सकते हैं। देन ये आपको प्रोजेक्टर मिल जाएगा, यहाँ आपको इंडिकेटर मिल जाएगा हेलोजन में, नीचे आपको DRL देखने को मिलेगी, फॉग लैंप इसमें से निकाल दिए गए हैं आपको। देन ये ब्लैक ग्लॉसी रेडिएटर ग्रिल मिलेगी। हुंडई का लोगो अब चेंज हुआ है, यानी आपको इसमें अब मेटेलिक सिल्वर में देखने को मिलता है। तो ग्रैंडेड इन योर स्पोर्ट्स सीएनजी का यानी फेसलिफ्ट वर्जन का ऐसा फ्रंट प्रोफाइल निकल के आता है। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में दोस्तों, तो इसका साइड प्रोफाइल अब यहाँ कॉस्ट कटिंग आपको दिखने वाली है। यहाँ आपको गन मेटल एलॉयज मिलते थे, अब आपको स्टाइल में रिम देखने को मिलेंगे। 175/60 R15 के आपको स्टाइल रिम्स मिलेंगे और 175/60 टायर सेक्शन ये रहने वाला। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। मैकपर्सन स्ट्रट के सस्पेंशन आपको आगे मिलेंगे और पीछे आपको कपल टॉर्जन बीम एक्सेल के सस्पेंड पीछे मिलने वाले हैं। देख सकते हैं साइड प्रोफाइल कैसा लुक। ओके, डोर आपको जो हैंडल्स है वो बॉडी कलर में मिलेगा। ORM को आपको LED इंडिकेटर देखने को मिलेगा। देन शार्फी 19 आपको बॉडी कलर में मिलेगा। रूफ रेल्स आपको इसमें ब्लैक में देखने को मिलते हैं। GI10 की बैजिंग आप देख सकते हैं यहाँ। ओके, तो इस तरह से साइड प्रोफाइल निकल के आता है ग्रैंड एट इन योर स्पोर्ट्स CNG का। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। यहाँ आपको चेंजेस कुछ देखने को मिलने वाला है, देख सकते हैं। GI10 हुंडई स्पोर्ट्स की बैजिंग आप देख सकते हैं मेटेलिक सिल्वर में। नियोस की आप बैजिंग वैसी की वैसी पुराने वाली देखने को मिलने वाली है। ये पर्टिकुलर पार्ट है वो इल्यूमिनेटेड नहीं है, लेकिन ये आपको कनेक्टिंग टाइप में आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि अच्छा खासा अपग्रेड इसमें मैं बोलूँगा। डिफॉगर इसमें मिल जाएगा, वाइपर वॉशर नहीं है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ मिल जाएगा। पीछे आपको कैमरा देखने को मिलेगा यहाँ। ओके, देन नीचे आप देख सकते हैं दो हेलोजन में बल्ब्स आपके नंबर प्लेट के लाइटिंग के लिए, और पीछे दो ही सेंसर्स है। ओके, एंड दो रिफ्लेक्टर आपको इसमें मिलने वाले हैं। ओके, ये इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल के साथ आपको ये LED टेल लैंप्स देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो गाड़ी आपकी अनलॉक होनी चाहिए या फिर बटन भी यूज़ कर सकते हैं, रिमोट के ऊपर दिया हुआ वो दबा के आप देख सकते हैं। 3 बार बटन दबा के आपका गाड़ी बूट है वो अनलॉक कर सकते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं। पार्सल ट्रे प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, यस। एंड ये इसका CNG टैंक, 60 लीटर CNG टैंक कैपेसिटी है और इतना सारा स्पेस रह जाता है आफ्टर CNG टैंक। सो नियर अबाउट 280-240 लीटर का बूट स्पेस है, लेकिन CNG टैंक इंस्टॉल करने के बाद कुछ भी बूट स्पेस नहीं रहता। ये है इसका टायर, स्पेयर टायर स्टील रूम मिलेगा इसमें और C8 का इसमें प्रोवाइड किया गया है। 14 इंचेस का आपको स्पेयर टायर देखने को मिलेगा और ये वाला है, ओके, ये आपको 15 इंचेस का है, तो एक साइज छोटा इसमें देखने को मिलने वाला है। तो चलो क्लोज करते हैं एंड अब बात करते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट के बारे में। ये है इंजन कंपार्टमेंट ऑफ ग्रैंड एट इन योर स्पोर्ट्स CNG। 1200 cc का इंजन है, आपको मालूम है कप्पा इंजन, बहुत ही साइलेंट, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। यस, यू विल गेट अ फैक्ट्री फिटेड CNG। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये लगभग 68 BHP एंड 95 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एंड 30.5 km/kg का यह माइलेज आपको निकाल के देता है। ये BS6 कंप्लायंट इंजन है दोस्तों, नए नॉर्म के तहत ये बनाया गया है, तो कोई इशू नहीं है। पैडिंग इंसुलेशन कोई भी तरह का आप नहीं देखोगे। ओके, तो ये पूरा इंजन स्पेसिफिकेशन था ग्रैंड एट इन योर स्पोर्ट्स CNG के बारे में। दोस्तों अंदर जाने के लिए आपको इस तरह से कीज़ मिलेगी लॉक अनलॉक करने के लिए और मैकेनिक नॉर्मली भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। चलते अंदर, बात करते हैं इसके अंदर क्या कुछ मिलने वाला है। ये ड्राइवर साइड का डोर, ओके, इल्यूमिनेटेड नहीं मिलेगा कोई भी स्विचेस, लेकिन मिरर फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए बटन दिया गया है, एडजस्ट करने के लिए बटन है। ओके, वन टच डाउन आपको ड्राइवर साइड का विंडो देखने को मिलेगा, बाकी सारे आपको पावर विंडोज मिलेंगे। 1 लीटर बॉटल नीचे को स्पीकर मिल जाएगा। ओके, ये देख सकते हैं सिल्वर कलर में
डोर हैंडल्स ओके, और यहाँ आप थोड़ा यूनिकॉर्म वर्क देख सकते हैं। तो ड्यूअल टोन में ही आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलने वाला है ओके। ये इसके सीट्स इंटीग्रेटेड ही आपको इसमें हेडरेस्ट मिलेगा। जो पाइपिंग है दोस्तों वो अब आपको ब्लैक में देखने को मिलेगी एंड थ्रेडिंग भी आपको ब्लैक में ही देखने को मिलेगी। एम्ब्रॉयडरी सीट्स की डेफिनेटली चेंज की गई है। हाइट एडजस्टेबल एंगल एडजस्टेबल सीट्स है दोस्तों ओके, याद रखिए। एंड यहाँ से आप आपका फ्यूल लीड ओपन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लोग बोलते हैं कि इट्स रेट्रोफिटेड सीएनजी दोस्तों, लेकिन इट्स फैक्ट्री फिटेड सीएनजी। इवन दो ये इंस्टॉल किया है वेंडर ने जो है सीवी इंजीनियरिंग, यहीं से आप फ्यूल डाल सकते हैं एंड आपका सीएनजी भी आप यहीं से डाल सकते हैं ओके। तो दिस इज़ अ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी दोस्तों। ये है ग्रैंड एटे न्यू स्पोर्ट्स सीएनजी का इंटीरियर ओके। मैनुअल एडजस्टेबल डेनेट रियर व्यू मिलेगा ओके, मैनुअल एडजस्टेबल डेनेट रियर व्यू मिले, मिरर आपको यहाँ मिलेगा, वैनिटी मिरर आपको यहाँ मिल जाता है ठीक है। इसमें टिकट होल्डर है, यहाँ आप देख सकते हैं माइक, 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आने वाला है, एंड यू विल गेट अ DRVM करके फंक्शन ओके ओके, एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें आपको मिलने वाली है। ये कुल ग्लोब बॉक्स नहीं है बिकॉज दिस इज ग्रैंड एटे न्यू सीएनजी में नहीं मिलता, लेकिन एक ग्लोब बॉक्स है ना वो बहुत बड़ा है, इस इवेंट से आपको मर्सिडीज स्टाइल में मिलने वाले है। मैनुअल एसी मिलता है, इससे पहले आपको ऑटोमेटिक एसी मिलता था। यहाँ आपको देख सकते सी टाइप का चार्जिंग ऑप्शन, USB कनेक्टिविटी, 12 का पावर सॉकेट, यहाँ स्पेस दी गई है। ये 6.5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर नॉब, बहुत ही स्टाइलिश 2 कप होल्डर, थोड़ा बहुत स्पेस, हैंड ब्रेक और पीछे के 2 AC वेंट्स ओके। देन इसका जो रिवर्स का कैमरा है उसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं क्वालिटी कैमरा की औसम है, पहले वाले भी अच्छी थी, अभी के इसमें भी बहुत ही बढ़िया मिलती है। ये इसका स्टेयरिंग दोस्तों सिर्फ ये टिल्ट एडजस्टमेंट मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें नहीं मिलती। लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल, राइट साइड में हेडलैम्प कंट्रोल, हेडलैम्प से दोस्तों वो ऑटोमेटिक मिलने वाले हैं, और आपको प्रोजेक्टर है उसमें आपको हैलोजन लगा हुआ मिलेगा, येलो लाइट से मिलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डेफिनेटली यहाँ चेंज किया गया है। लेफ्ट साइड में है RPM मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, और वही आपको यहाँ देख सकते हैं CNG इंडिकेटर, और यहाँ आपका पेट्रोल का इंडिकेटर मिलेगा ओके। और यहाँ देख सकते हैं बीच में अकुमुलेटर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है दोस्तों ठीक है। स्पीड डिजिटल में देखने को मिलेगा अब ठीक है, देन ड्राइवर इन्फॉर्मेशन इसमें ओके, देन टायर प्रेशर TPM इसमें मिलता है वाओ ओके, और सेटिंग्स है डोर सेटिंग लाइट्स, तो इसमें आपको एम्बेंट लाइट मिल जाएगी, फुटवेल लाइटिंग आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, बहुत ही माइनर आप देख सकते हैं फुटवेल लाइटिंग ओके। एंड राइट साइड में आपको यहाँ स्विचेस मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, जो यूज़ करके आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में है आपके इंफोटेनमेंट के स्विचेस, वॉइस कमांड का फीचर मिल जाता है आपको दोस्तों ओके, फेवरेट का भी बटन आपको यहाँ मिलने वाला है, मोड का बटन है यहाँ ठीक है। तो ये है इसका इंटीरियर दोस्तों ओके, बहुत ही बढ़िया इंटीरियर है। नीचे ब्रेक पेडल, एक्सेलरेटर पेडल और एक क्लच पेडल है, यहाँ से CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG कन्वर्टर के लिए स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आप इसमें आपको मिलने वाला है। देन यहाँ है हेडलैम्प एडजस्ट करने के लिए बटन दिया गया है। तो ये इंटीरियर ऑफ ग्रैंड एटे न्यू स्पोर्ट्स CNG। तो दोस्तों ये रियर साइड का डोर, यहाँ पे आप हनीकॉम वर्क देख सकते हैं, सिल्वर कलर में डोर हैंडल्स, पावर विंडो का बटन ओके, स्पीकर 1 लीटर बॉटल लीजिएगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा ठीक है। अंदर चलते हैं, सीट से आपको बेंच फोल्डिंग मिलने वाले दोस्तों, कोई भी इसमें आर्मरेस्ट नहीं है, और आपके हेडरेस्ट है वो भी आपको फिक्स्ड ही इसमें मिलने वाले हैं। चलते स्पेस की बात करेंगे ठीक है। यार इतनी छोटी गाड़ी है लेकिन लेग रूम, नी रूम बहुत ही बढ़िया है, थाई रूम भी देख सकते हैं अमेजिंग है, और उसके साथ साथ आप हेड रूम देखिए, अच्छा खासा स्पेस ग्रैंड एटे न्यू स्पोर्ट्स CNG में निकाला है, ग्रैंड एटे न्यू में निकाला है। विंडोज भी अच्छे खासे बड़े हैं, ग्रैब हैंडल दिया गया है, तो गाड़ी रूमी तो डेफिनेटली लगती है, कोई भी आपको इसमें ऐसा नहीं लगेगा क्लॉस्ट्रोफोबिक तो डेफिनेटली नहीं लगता। देन ये आपको एसी वेंट्स मिलेंगे, उसका फ्लो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आपको 12 का पावर सॉकेट देखने को मिलेगा ओके। यहाँ आपको डोर पॉकेट मिलता है, रूफ लाइट मिल जाएगी सिंगल ही दोस्तों, वो भी हैलोजन में देखने को मिलने वाली है। तो ऐसा लुक निकल के आता है ग्रैंड एटे न्यू स्पोर्ट्स CNG का पीछे से। तो दोस्तों ग्रैंड एटे न्यू स्पोर्ट्स CNG के अगर सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ड्यू टू RDE नॉर्म्स ओके, यानी BS6 नॉर्म की वजह से अब आपको इसमें 4 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। इसमें ब्रेक असिस्ट मिलता है, ABS विद EBD है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, हील असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, TPMS है ओके। इतने सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, एडिशनल जो कुछ भी सेफ्टी फीचर्स है वो आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। तो ग्रैंड एटे न्यू स्पोर्ट्स CNG का पूरा डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू किया मैंने, ये गाड़ी चलने में बहुत बढ़िया है ओके, CNG के ऊपर अच्छा खासा माइलेज निकाल के देती है,
इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके ऊपर अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये आप गाड़ी उठा सकते हैं अभी भी, दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। ओके, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स इसमें मिलने वाले हैं। ओके, ड्यूल हॉर्न आपको इसमें मिल जाता है। तो थाने में चाहिए, मुंबई में चाहिए, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप ये गाड़ी मैक्सिमम डिस्काउंट साथ जल्द से जल्द उठा सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट वॉक लॉन्ड्री ऑफ ग्रैंड एटेनिया स्पोर्ट्स सीएनजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।